तो ये देखे ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ जा रही है, तो हम भी जा रहे हैं, हम वापस पहुंच गए हैं। ससुराल का गांव, आज मैं आई हूँ अपने ससुराल में। तो ये देखें जी कितनी हरी भरी खेतें लग रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये साथ में कब्रिस्तान भी है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें नाज़रीन मेरे ससुराल का गांव, ये देखें मुर्गियाँ और ये देखें कितनी अच्छी लग रही हैं। इधर वो एक आदमी है या बच्चा है, लड़का है, वो ये अपने घास काट रहा है अपनी भैंसों के लिए। तो ये देखें इतनी अच्छी हरी भरी गाय कहते लग रही है। मेरा बड़ा जेठ है, मेरे मियाँ का बड़ा भाई है, जो कि वो पता नहीं क्या अपने वो काम कर रहा है खेतों में। ये देखे नाजरीन हमारे घर के साथ ही ये एक दरबार है, उसका नाम है बाबा अलादार। इसमें माशाल्लाह बहुत मनता है, तो काफ़ी बड़ा उर्स भी लगता है। इधर लोग आते हैं, घड़ोलियाँ वगैरह वो क्या उनकी जो जो मन्नत होती है वो पूरी करके जाते हैं। तो माशाल्लाह साल के बाद इसमें इतना रश होता है। ये साथ ही है हमारे लेने के लिए आई थी नाजरीन, वो माशाल्लाह आगे से बेहतर है काफ़ी। तो अब मैं जाने लगी हूँ अपनी अम्मी के घर, क्योंकि वो भी साथ ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आई तो आज पहले ही हूँ, तो उधर से भी होके चली जाती हूँ अपने अबूजू के साथ। अबू जी को साथ लेके हो सकता है मैं चली जाऊँ। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखे नाजरीन मैं आते आते मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं एक इधर ये छोटा सा एक वो है क्लीनिंग है। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, तो इन्होंने छोटा सा क्लीनिंग बनाया हुआ है और इतनी सस्ती दवाई देते हैं कि 200 में ये माशाल्लाह एक दिन की दवाई ले कर बंदा चला जाता है। तो आते आते मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे दांत में भी दर्द था, इसलिए मैं वीडियो भी कम बना सकी हूँ, ज़्यादा मैं बोली भी नहीं हूँ। तो ये साथ साथ हम जा रहे हैं, ये देखें। तो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआ कीजिएगा हम खैर खैरियत से पहुँच जाएँ। ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग टाइम, ये टाइम जाता है उसमें हम वापस जा रहे हैं। तो हम उधर तो कुछ भी नहीं वीडियो बना सके, क्योंकि इसलिए वो मैं शायद समझती थी कि वो अच्छा समझे या ना समझे। तो तकरीबन 7:15 तक हम घर भी पहुँच गए थे, ये सर देखें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि मैं अपने गांव जाना है अपने छोटे देवर का पता लेने के लिए। तो मैं गई तो थी, लेकिन मैं थोड़ा एमरजेंसी में चली गई सुबह सुबह, तो मैं कोई व्लॉग नहीं बना सकी। तो उधर मैं स्टेशन पर गई, तो ट्रेन में थोड़ा सा व्लॉग बनाया था, तो इसलिए मैं वापस भी आ गई हूँ सुबह सुबह। तो आज इसलिए मैं उधर गई, तो उधर मेरे बेटे ने फ़ोन कर दिया कि छोटी जो मेरी बेटी है सायरा उसका नाम है, उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं उधर व्लॉग वगैरह सब कुछ भूल गई। तो मैं वापस आने के लिए रेडी हो गई जल्दी जल्दी। तो फिर मुझे सब ने बोला कि मैं तो सब ने बोला कि आप फ्रेश हो जाओ, कोई मसला नहीं है, सब हैं उधर देखने के लिए, तो आप परेशान ना हो। लेकिन मुझे सुकून नहीं था क्योंकि माँ हूँ ना, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी उधर वापसी की तैयारी पकड़ ली। फिर मुझे फ़ोन भाई ने फ़ोन किया, छोटे भाई ने फ़ोन किया, बेटे ने किया, बेटी ने किया कि मामा आप परेशान ना हो, हम हैं इसके साथ। तो उन्होंने उसको ड्रिप लगाई हुई है तो सही हो जाती है। तो जब थोड़ा सा मुझे उन्होंने बताया, तो फिर मैं सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम ही सुबह ट्योटे पर वापस आ गई। तो तकरीबन 7 बजे तक तो मैं घर भी आ गई हूँ।
तो अभी तक मैं सुबह का रेस्ट कर रही हूँ, अभी 5 बजे उसको फिर लेके जाना है। तो अभी मेरी तबीयत खुद भी नहीं थी ठीक, मैं उधर मेडिसिन भी लिया, मेरे दांत में भी दर्द हो गई थी और जाते जाते मेरे सर को इतनी दर्द थी कि मैं उधर छोटा सा वो क्या कहते हैं उधर डॉक्टर का क्लिनिक था, तो उधर मैंने दवाई भी ली अपनी मेडिसिन लिया या क्या कहते हैं, तो इतनी वो क्लिनिक इतना सस्ता था कि माशाल्लाह 200-250 में वो दवाई दे देता, मेडिसिन दे देता है। तो मैंने सोचा, मैंने उनको बोला कि मैंने मेडिसिन लेने, कहता है मैंने कहा आपकी फ़ीस कितनी है, कहता है मेरी कोई फ़ीस वगैरह नहीं है। तो मैंने तो हैरान हो गई हूँ कि इतने सस्ते में वो मेडिसिन दे रहा था, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो नाज़रीन इसी तरह मैं सॉरी करती हूँ आपसे कि मैंने कोई उधर व्लॉग नहीं बनाया, थोड़ा सा बनाया जो भी कोई, तो इसी में ही बस टाइम पूरा कर दिया। तो फिर इंशाल्लाह मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो इसी तरह गाँव में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।